नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद से इकट्ठा होने वाले कूड़े से इस प्लांट में बिजली बनाई जाएगी। इको ग्रीन एनर्जी और नगर निगम इस प्लांट को संचालित करेगा। इस प्लांट में 25 मेगावाट प्रति घंटा बिजली तैयार की जाएगी, साथ ही बिजली उत्पादन के बाद वेस्ट से खाद बनेगी। तो वेस्ट टू एनर्जी के ये प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट हमारा सोनीपत में 10 मेगावाट का लगाया गया, सफलतापूर्वक कई महीनों से वो चल रहा है। ये प्रोजेक्ट भी हालांकि 2017 में इसका टेंडर किया था, ये चालू हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन कुछ कठिनाइयां आई थी और कठिनाइयां जो उसे कठिनाई थी जो जगह हमारे पास उपलब्ध थी बंदवाड़ी में, वहां पर लगातार कचरे को इकट्ठा करते चले गए, सारी जमीन पर कचरा ढेर लग गया, लेकिन जितनी जगह इनको प्लांट लगाने के लिए चाहिए थी वो उपलब्ध कराने के लिए एमसीजी ने 10 एकड़ की जमीन हम उपलब्ध नहीं करा पाए। बाद में उसके लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से टेंडर किया, तब जाकर आज हमको 10 एकड़ तो अभी भी खाली नहीं हुई है, लेकिन 6-7 एकड़ खाली हो गई है, जिसमें से कंपनी ने कहा था अब उसका नाम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कचरे से कंचन वेस्ट टू वेल्थ इस प्रोसेस पर हम गए और कई चीजें उसमें से बनने लगी, बिजली उसमें से एक है। 2 साल के अंदर उसका बिजली का उत्पादन करने के लिए वो प्लांट चालू हो जाए और प्रतिदिन 6 लाख यूनिट बिजली बनेगी। 15 मेगावाट का यूनिट लगाया गया है, जिसमें लगभग 1100 टन प्रतिदिन ये कचरा दोनों शहरों का, फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों का। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बड़ी मशक्कत के साथ बनी थी। उस समय की सरकार यह नहीं चाहती थी कि गोदाम से जो पैसा मिलता है उसका निर्णय कैसे खर्च हो, इस्तेमाल किस तरह से हो, तो गुड़गावा से ही किया जाए, ये उनको मंजूर नहीं था। और हालांकि मैं कांग्रेस के अंदर उस टाइम था, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद यहां पर कॉरपोरेशन के बाबत ये फैसला लिया गया कि कॉरपोरेशन तो रहेगी लेकिन जीएमपी ए बनाई जाएगी साथ से। कुछ साल पहले मुबारक दिन जब था, जब गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की 9वीं बैठक हुई। बैठक में 32 मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ विकास कार्यों को किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। ग्रुप नाम के सेक्टर 102 से लेकर 110 सेक्टर तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को आदेश दिए। साथ ही इस पानी की सप्लाई को लेकर चंदू बुढ़ेड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 115 तक पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से हो सके और किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए भी निर्णय लिया गया। इसमें 28 गाँव भी शामिल रहेंगे। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। बैठक में तमाम अधिकारियों को आदेश दिए गए, तो वो इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा स्थानीय विधायक और नगर निगम मेयर भी शामिल थे, जिन्होंने इस पर अपने सुझाव रखे। इस कड़ी में सिकंदरपुर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाएगा, तो वहीं शहर में मिनी बस चलाने की योजना को भी अमली जामा जल्द पहनाया जाएगा। गुरुग्राम में प्राइवेट बिल्डर्स सोसाइटी में लगातार बिजली की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि करीब 13 ऐसी सोसाइटी हैं जो फिलहाल बिजली की समस्या से जूझ रही हैं, वहाँ जनरेटर के मार्फत लाइट भी उसकी व्यवस्था होगी और जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए जल्द
13 सोसाइटीज में बिजली विभाग की तरफ से बिजली दी जाएगी। जीएमडीए ने किया है कि जगह जगह पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या के लिए 24/7 ये पानी की सप्लाई दोनों प्रकार के स्वच्छ पानी पीने के लिए और फिर जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको प्रोसेस करके उसको भी जो उपयोग किए जा सकते हैं ऐसे ट्रीटेड वाटर के माध्यम से वो सारे उपयोग किए जाए, बागवानी के लिए किया जाए, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाए और जो पानी बचता है उसको ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाकर के इरिगेशन के लिए उसका यूज किया जाए। तो ऐसे ट्रीटेड वाटर का उपयोग ये भी मिलेगा आपको, पूरा पूरा पानी जितना चाहिए उतना मिलेगा। अभी तक जितना पानी हमारा वेस्ट वाटर निकलता है उसका 52% इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आज जो योजना बनाई गई है 52% पानी जो भी हमारा ट्रीटेड वाटर होगा उसका उपयोग करेंगे, ऐसे अगले 6 महीने की योजना हमने बनाई है। पावर बिजली 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसके लिए गुरुग्राम को हमने बहुत पहले चयनित किया था, इसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई। एक सप्लाई कुछ 16 ऐसे डेवलपर्स है जिनकी कॉलोनीज में 94 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहां पर बिजली पूरी नहीं दे पा रहे थे, उनके साथ विवाद हो गया था। विवाद क्या कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा वो डिपार्टमेंट को जमा नहीं कराते थे और उसके कारण से वो सप्लाई बंद थी। बहुत लोगों ने अपने जनरेशन लगा रखे थे, लेकिन उस पर निर्णय लिया हमने कि 16 में से 3 बिल्डर्स ने तो अपने प्रोजेक्ट पूरे कर दिए हैं, 13 ऐसे हैं जिनके जो भी वहां बाशिंदे हैं जो रेजिडेंट्स हैं उन सबको 21 सितंबर से उनको कनेक्शन देने शुरू कर देते हैं। अंदर शहर के अंदर मेन रेलवे स्टेशन से जोड़ते हुए और उसका एक राउंड मेट्रो का जो द्वारका के मेट्रो स्टेशन को भी जोड़ेगी, हुड्डा सिटी सेंटर को भी जोड़ेगी और हमारा जो रेलवे स्टेशन ये भी जोड़ेगा, बाजार और सेक्टर अधिकतम उसमें जुड़ेंगे। ऐसी एक योजना मेट्रो की ये हो चुकी है कंप्लीट, हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से सब उपचार कर दी है, केंद्र से परमिशन आनी है, मुझे लगता बहुत जल्दी परमिशन आएगी। एक बहुत बड़ा ग्रुप खुले में नमाज को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खुले में नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि खुले में नमाज नहीं करनी चाहिए। देखिए हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा पद्धति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा करके करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कि नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत से हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक्फ की होगी उसमें कहीं एनक्रोच एरिया है वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें। खुले में नमाज पढ़ करके और आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जबरदस्ती। एक तरफ गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बाजारों में लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं जिससे संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर गुरुग्राम पुलिस और नगर निगम की टीम ने कमर कस ली है। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने बाजार में लापरवाह लोगों का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। देश में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद से जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के वो हैं और साफ तौर पे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इन नीति को अपना के इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो लापरवाह नज़र आ रहे हैं। और इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सदर बाज़ार जहाँ लोग बिना मास्क
के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है और ऊपर से ओमिक्रॉन का जो मामले हैं हिंदुस्तान में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, जिसके साथ साथ जो इससे लड़ा जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पोस्टर लगा के और मीडिया के मार्फत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। गुरुग्राम को कहने के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम कहा जाता है, लेकिन जब लोगों की बात करें तो वो अनपढ़ से नज़र आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो मास्क अपनाए, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इस नीति के साथ ओमिक्रॉन और कोविड के तीसरी लहर से बचा जा सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में रहने वाले नरेंद्र सिंह यादव ने 2,911 किलोमीटर दौड़कर रामेश्वरम से अयोध्या पहुंचकर रिकॉर्ड को समर्पित किया है। नरेंद्र ने अब तक 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। 2012 में पर्वतारोहण के बेसिक, 2013 में एडवांस, 2015 में MOI के साथ सभी कोर्स पास किए हैं। 20 मई 2016 को नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट फतह किया है। चोटियां चढ़ के अब तक 18 विश्व रिकॉर्ड बनाए, जिसके चलते मुझे वर्ल्ड किंग का खिताब भी मिला है 2017 में। और अभी मैंने रिसेंट एक रामेश्वरम से और अयोध्या एक अल्ट्रा मैराथन किया, जिसका नाम है रन फॉर राम, जो 2911 किलोमीटर है और जो 7 राज्यों को पूरा करते हुए 24 तारीख को समापन हुआ है जिसका, और अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इसमें टोटल मुझे 47 दिन लगे हैं और 47 दिन में मैंने ये पूरी दूरी तय की है। और जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए श्री राम जन्मभूमि न्यास को समर्पित है, मतलब श्री राम जन्म भूमि में जो मंदिर है रामलला का, उसको समर्पित है। अब इसमें बीच में बहुत सारी कठिनाइयां, जो कि मौसम है बार बार बारिश के होने से, और नीचे आपको पता ही होगा दक्षिण में मौसम बार बार निरंतर बदलता रहता है, जिसके कारण मुझे पैरों में फंगल इन्फेक्शन भी हुआ और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन इन सब प्रॉब्लम को भूल के सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने जो साउथ में, जो लोग आपको पता है वहाँ हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं, खाना भी हम लोगों से अलग है, लेकिन उन लोगों के प्यार इन सब चीज़ों को भुला दिया। और ये जो भी अल्ट्रा मैराथन जो बनी है ये सब उन्हीं, मतलब बोलते हैं ना, हम सब ने मिलके बनाई है, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये सब कुछ संभव हो पाया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने ये संकल्प तब लिया था राम जन्मभूमि के लिए, पूरे भारत से चंदा इकट्ठा हो रहा था, हर व्यक्ति ने अपने इच्छा अनुसार जिसके पास जितनी क्षमता थी उसके। गुरुग्राम में अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिलासपुर चौक से 10 नवंबर को युवक का अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों तौफिक, हसमुद्दीन, जिसान और संजय को मानेसर क्राइम ब्रांच ने नूह से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों ने हथियार दिखाकर युवक से पहले तो नकद पैसे और मोबाइल छीना और उसके बाद हथियार के बल पर गूगल पे के माध्यम से युवक से रुपए ट्रांसफर करवाए। जब युवक की जेब और अकाउंट खाली हो गया तो युवक को मौका देकर ताबड़ू के ही एक इलाके में फेंक दिया, जिसके बाद युवक ने अपनी जान बचाकर इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। 11/11/2021 को एक आशीष नाम का लड़का वहाँ पथरेडी में किसी डिलीवरी कंपनी में काम करता है, वो अपनी ड्यूटी करके और घर वापस आ रहा था, जाडसा का रहने वाला है। बिलासपुर चौक पे ये किसी साधन की वेट कर रहा था, तभी एक गाड़ी आके उसके पास रुकी और उसमें 6 लोग सवार थे और उन्होंने उससे कहा कि कहाँ जाना है। उसके मना करने पर 2 लोगों ने ज़बरदस्ती उसको वहाँ से पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया। उसके पास जो पैसे और पर्स, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी थे सब छीन लिए उससे, उसका मुंह ढक के उससे उसका गूगल पे का पासवर्ड और उसके ATM वगैरह के पासवर्ड पूछ के और उनसे उन्होंने ट्रांजैक्शन कर ली उसको खाली करके, और बाद में मेवात ज़िले में उसको फेंक के और वो चले गए, जिसके संबंध में थाना बिलासपुर में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम बिलासपुर ने उसमें जो शामिल 4 लोग थे उनको गिरफ्तार किया है। इसमें से एक, इनमें से जिन जिनके नाम हैं अकमुद्दीन, जिशान, संजय और एक
और आरोपी पहले इसमें गिरफ्तार हमने किया था, टोटल 4 हमने इसमें अरेस्ट किए और उनसे पूछताछ करके और इस घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी वो गाड़ी भी हमने बरामद की है। उनसे एक ATM कार्ड 6500 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने छीना था वो हमने इसमें रिकवर किए हैं और इसमें आगामी इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।